लो भाई एंटर कर चुके हैं अयोध्या नगरी में, मेन गेट ये रहा राम मंदिर का। यहीं पर ही जो आपने देखी थी ना सारी जो स्टार्स की और जितने भी वीवीआईपी थे सबकी गाड़ियां आगे रुक रही थी, ये रूम देख सकते हो प्रॉपर आपको क्विल्ट वगैरह कंफर्टेबल बेड के साथ साथ अच्छे खासे स्पेस का एक डिसेंट सा रूम मिलेगा। मतलब लिटरली रात को लोग आते हैं रोड पे घूमते रहते हैं कि रूम दो तो रूम दो, बट अवेलेबल ही नहीं है। ये प्रसाद है राम मंदिर का, जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद का। ये रहा राम मंदिर में जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन। क्या तुमको क्या जरूरत है, छत पे जाओ, छत से सामने देखो, सामने राम जन्मभूमि है। ये लो भाई ये है इन्विटेशन राम मंदिर का, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा होगा आप लोगों ने। हर पांच कदम पे चेकिंग हो रही है, हर पांच कदम पे। ये था भाई दीदी जी के घर पहले, जो अब मंदिर के अंदर आ चुका है सामने, सोचो वो रहा मंदिर। पहली बार मैं यहाँ के पत्थर को या फिर इसके आर्किटेक्चर को टच करते हुए, सोने के गेट से एंट्री होते हुए भाई सामने ये है हमारे रामलला। भीड़ देख रहे हो, जय श्री राम जय श्री राम। मजा आ गया भाई, एकदम सुकून मिल गया। बड़े टाइम से सोच रहा था यार जाके दर्शन कर। बाकी ये जो घर दिखा रहा हूँ ना मैं सामने, ये अभी कह रहा है, क्या कह रहा है, ये हमारा घर था। निकल चुके हैं भाई आज टू व्हीलर से घूमने की, कल और परसों का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था फोर व्हीलर के साथ, मतलब दो ढाई घंटे ही की जगह पे खड़े खड़े दिमाग खराब हो गया था। और ये है भाई अयोध्या की एंट्री, अगर आप फैजाबाद के थ्रू आते हो, मतलब फैजाबाद के रास्ते से आते हो तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, पता नहीं क्योंकि किसी और की बाइक लिए पता नहीं फ्यूल होगा नहीं होगा, फंस जाएंगे। लो भाई एंटर कर चुके हैं अयोध्या नगरी में। ये अयोध्या पूरा ये वाली जो रोड है, कुछ टाइम पहले एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन थी, सिर्फ एक साइड लाइन चल रही थी, जब आपने पुरानी वाली मेरी अयोध्या की वीडियोस देखी होंगी, बट अब एकदम फुली कंस्ट्रक्टेड है और लेफ्ट और राइट साइड में प्रॉपर इन्होंने फुटपाथ वगैरह बना दिया, मतलब डेवलपमेंट अच्छी खासी हुई है नो डाउट। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, अच्छा महाविद्यालय से आगे, इस पापा इसी से पढ़े थे ना। तो भाई मेरे पापा का कॉलेज था ये, मतलब मेरे पापा इसी से पास आए। खाली खाली सा लग रहा है इसमें, वैसे अब वो बंद हो गया, ई रिक्शा बंद हो जाएंगे ना अब, ये जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं ना सारे के सारे बंद हो जाएंगे इस रोड पे, ये इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगे जो ये वाली। अभी तो कुछ इनॉग्रेशन हुआ है शायद, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगे, 50-60 बसे खाली और ये फ्री है शायद, है ना, निःशुल्क है, अच्छा मिनिमम रेट है 5-10 रुपये वही जो होगा होगा। देखो लेफ्ट और राइट साइड पे जितने भी देखो दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे पड़े हैं, सबका ऐसा कलर है ब्राउन कलर का, रात के टाइम पे इसमें बल्ब जलता है तो ये एकदम रेडिश कलर में हो जाता है। जैसे अमृतसर पे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक तरीके का ही थीम बना रखी है, ऐसी सेम यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब आप पूरा अंदर कंस्ट्रक्शन आपकी होगी, और बाहर का जो थीम या फिर जो दिखने में बोर्ड या फिर बाहर का जो आर्किटेक्चर है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने टेंडर दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेढ़ी बाजार चौराहे के आगे अगर आपकी गाड़ी UP42 नहीं है तो वो एंट्री नहीं है उसकी, है ना, और UP42 अगर ले जा सकते हो उसके लिए भी आपको वो दिखाना पड़ेगा आपका रेजिडेंस प्रूफ अंदर का। हाँ तो यहाँ इसी वजह से हम लोगों ने चूज किया भाई कि आज पूरे दिन हम टू व्हीलर से घूमेंगे, शाम को दर्शन भी करने हैं। ये रहा भंडारा भाई, मतलब इस टाइम पे इतने भंडारे हो रहे हैं पूरे अयोध्या में, लोग आके भंडारे करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर कितने लोग तो स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे हुए जो कह रहे हैं कि वो बनाते ही नहीं अब खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, स्नैक्स, शाम को रात का डिनर सब बाहर ही हो जाता है, और एक नंबर मतलब बढ़िया क्वालिटी का भंडारा, ऐसा नहीं कि ऐसी रोड साइड कुछ भी खिला दिया। और ये है भाई राम जन्मभूमि, सिक्योरिटी देख रहे हो साहब, है मीडिया खड़ी हुई है भाई, भाई मैं राइट में देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, खतरनाक मीडिया थी, कुछ है क्या आज, कुछ निकलने आया होगा। हाँ पूरा मतलब राम जन्मभूमि का एरिया है, लेफ्ट साइड पे पूरे राम जन्मभूमि चल रही है, वो देखो अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये लो भाई भीड़, अभी भीड़ की बात कर रहा था मैं, अब देखो भीड़, ये है मेन एंट्री तो मतलब हो चुकी है अयोध्या में, यहाँ से जो मतलब सीधा चले जाओगे ना जितने भी आपका राम जन्मभूमि का मेन गेट, हनुमान गढ़ी और जो भी है सब इसके अंदर पड़ता है। और ये देखो भीड़ भाई साहब, अभी तो मतलब ये समझ लो कम है, कल परसों तो ऐसी भीड़ थी यहाँ पे लिटरली हम निकले नहीं, पैदल नहीं चल सकते थे आप यहाँ पे, आज तो फिर भी देखो बाइक वगैरह, ये UP42 इस वजह से अंदर एंट्री दे दी हम लोगों को। ये देख रहे हो लेफ्ट और राइट साइड भाई साहब, लोग यहीं पे देख रहे हो मतलब सो रहे हैं भाई, होटल में रहने की जगह नहीं है इस टाइम पे। मेन गेट ये रहा राम मंदिर का, यहीं पर ही जो आपने देखी थी ना सारी जो स्टार्स की और जितने भी वीवीआईपी थे सबकी गाड़ियां आगे रुक रही थी, इसी जगह पे रुक रही थी, और सामने ये रहा पूरा राम जन्मभूमि का मेन गेट जो अभी ऑब्वियसली बनेगा और भव्य बनेगा, और इसी के सामने हमारा होटल। अभी ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ये है बिरला धर्मशाला, किसको अगर होटल बुकिंग करता भी तो काफी लोग पूछते हैं, लोकेशन भैया को कॉल करके या मैनेजर को कॉल करके तो बता दूं भाई, बिरला धर्मशाला के जस्ट पीछे हमारा होटल है, आने वाले टाइम पे ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, कर चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगी तब हमारा होटल और बाहर की साइड मतलब हाईवे की साइड आ जाएगा। तो भाई पहुंच गए होटल, सारा मामला यहाँ थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा था, मैंने कहा चलो सेट कर दे क्योंकि अभी सबका चेकआउट टाइम हो रहा है, वहाँ पर रूम्स वगैरह रेडी हो रहे हैं, उसके बाद टूर देता हूँ आपको पूरा। अभी लंच भी नहीं किया है तो लंच वगैरह भी ऑर्डर किया है, सामने रेस्टोरेंट है, अभी होटल मतलब इस प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट नहीं बनवाया गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर की प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था आपको पहले भी जब इसका मैंने शुरू में इनॉग्रेशन हुआ था तब टूर दिया था, बट होपफुली नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी डेवलपमेंट ऊपर वाले फ्लोर्स की भी, क्योंकि भाई की शादी थी बीच में तो उसकी वजह से भाई को वापस मतलब बड़ा भाई यहाँ पर रह के सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था तो इसी वजह से फिर उसको जाना पड़ा वापस दिल्ली, बट अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अब अच्छा खासा टाइम है
तो नेक्स्ट वीक आके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और थर्ड फ्लोर या फोर्थ जहाँ तक भी मतलब अलाउ होगा, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर हम लोग एक रूफ टॉप कैफे बनाने की सोच रहे हैं। तो इस साल के एंड तक मतलब जब फुल फ्लेज में राम मंदिर शुरू होगा ना, उस टाइम तक ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे खासे, 15-20 रूम की प्रॉपर्टी होगी, साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं, अपना लंच आ गया, कुछ खाया नहीं था सुबह से, रेस्टोरेंट नहीं है बट बगल में एक रेस्टोरेंट है, यूनिट ऑफ आरबीएस रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक खाना है इसका, तो यहीं से ही ला के दिया जाता है हम लोग, अगर खाना वगैरह किसी को चाहिए होता है तो इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं चाचा जी भी, ठीक है, तो वहीं से मंगा लिया। बाकी टेस्ट वगैरह मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं खाया, खा के रिव्यू बताता हूँ कैसा है। देयर इज अ टूर, एंट्री लेते ही सामने यहाँ पर रिसेप्शन है, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं राइट साइड में। ओए एक मिनट, ये है अपना पहला रूम, तो कुछ ऐसा सा रूम है भाई, ऑलरेडी देख चुके आप एक बारी, बट एक बार अब चालू हो चुका है अच्छे से, मतलब लोग ऑलरेडी यहाँ पर रुक रहे हैं आके, तो कुछ ऐसा सा निकल के आया रूम, एक डबल बेड दे रखा, मतलब हर रूम में भी डबल बेड ही है, राइट साइड पे एक छोटी सी टेबल दे रखी है। रूम थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि अभी अभी चेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लगवाई हुई हैं बढ़िया। और ये है अपना नीट एंड क्लीन वॉशरूम, अभी गंदा ही रखा है वैसे, एक काम करता हूँ साफ वाले रूम का दिखाता हूँ टूर आपको। चलो जी, इसको यहाँ रिसेप्शन के अंदर जाते ही राइट साइड पर छोटी सी पेंट्री है, जो कि पहले लिफ्ट एरिया थी बट अभी रेस्टोरेंट या फिर पेंट्री ना होने के कारण यहाँ पे छोटी सी पेंट्री दे रखी है, यहाँ पर लिफ्ट लगेगी मतलब ऊपर जब बन जाएगा। सामने यहाँ पे स्टेयर्स हैं, छोटा सा एक फ्रिज है लेफ्ट और राइट साइड पर रूम, लेफ्ट और राइट साइड पर रूम, यहाँ पर एक छोटा सा वार्डरोब दे रखा है जो नेसेसरी आइटम्स होती हैं, लॉक डे चलो छोड़ो, बेडिंग वगैरह एक्स्ट्रा या फिर कंबल वगैरह जो भी होता है, ये रूम अभी रेडी हो चुका है, ठीक है। ये रूम देख सकते हो प्रॉपर आपको क्विल्ट वगैरह कंफर्टेबल बेड के साथ साथ अच्छे खासे स्पेस का एक डिसेंट सा रूम मिलेगा। वॉशरूम है इधर अपना, देख सकते हो नीट एंड क्लीन। बाकी मैं आपको बता रहा था अभी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है ना, मतलब भैया मामा लोग कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे 10,000 रूम भी खुल जाए ना, मतलब होटल्स खुल जाएं अयोध्या के अंदर, तो भी रूम कम ही पड़ेंगे, मतलब लिटरली रात को लोग आते हैं रोड पे घूमते रहते हैं कि रूम दो दो रूम दो, बट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब लिटरली आप मानोगे नहीं, अभी भी ये वाला होटल मतलब ये 5 रूम की जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी लगभग फुल ही रहती है डेली, इतनी सारी क्वेरीज आती है कि इस डेट के लिए चाहिए रूम, उस डेट के लिए चाहिए रूम, बट रूम अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये मान लो मई और जून की बुकिंग अभी से चल रही है, तो किसी को बुकिंग करवानी हो भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, भाई का नंबर भी दे दूंगा और यहाँ पे जो मैनेज कर रहा है बंदा उसके भी नंबर दे दूंगा, तो आप कॉल करके रिजर्व करवा सकते हो डिसेंट प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे, नाम ले देना कि हाँ भाई यूट्यूब के थ्रू आया, तो मैंने बोल रखा है भाई को और यहाँ पे सब लोगों को कि अगर कोई यूट्यूब के थ्रू आता है तो 10-20% जितना भी पॉसिबल होगा उस टाइम पे वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा। चलो भाई निकला जाए, टूर वगैरह मैंने दे दिया है, नंबर भी बता दिया है कैसा बुकिंग वगैरह करवा सकते हो। बाय द वे, नंबर के अलावा भी अगर ऑनलाइन चाहते हो आप लोगों की कि डायरेक्टली किसी प्लेटफॉर्म से बुकिंग हो जाए तो मेक माई ट्रिप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी होटल के नाम डाल सकते हो द त्रिभुवन रेजिडेंसी, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ से जाके भी उसके थ्रू आप बुकिंग करा सकते हो। फिलहाल निकल रहे हैं जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, राम मंदिर के दर्शन की जो टाइमिंग हमें मिली है वो शाम की मिली है, हनुमानगढ़ी वगैरह सब कुछ एक साथ करेंगे, जो आ रहे हैं जो दर्शन करवाने वो शाम को आएंगे 5-6 बजे, तो शाम की आरती वगैरह देखेंगे अगर मिलता है मौका, तो उससे पहले चल के थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ क्या क्या है। तो ये देखो भाई, ये थैला भी मैंने देखा, रामो विग्रवा, क्या लिखा है, विग्रहवान धर्म ना, ठीक है, ये प्रसाद है राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद का, तो ये आया था दीदी के घर पे भी, इसमें क्या क्या देखें जरा, कुछ खाने पीने का भी है क्या इसमें, अच्छा ये है हल्दीराम का है, हल्दीराम की पैकिंग है सारी, क्या बात है। और ये देखो ये है अक्षत, ये क्या है, ये क्या है, रुद्राक्ष, ओके, और ये ये है रोली, रोली मोली, और ये गंगा जल, अच्छा अच्छा हाँ भाई हाँ ये भी सही बात है, हरिद्वार साइड देखने को मिलेगा आपको ये प्रसादम, ये है प्रसादम, खाने वाला सारा मटेरियल खा जा चुका है दिखाने वाला सब है इसमें, ये है कलावा दिया, ये लो खाओ मटरी, ठीक है, और ये आपकी रेवड़ी तुलसी भी वो भी है क्या, ये देखो ये पता नहीं क्या है, मतलब राम मंदिर के टाइम पे इनॉग्रेशन के अगले दिन आया होगा ना, ये इनॉग्रेशन के अगले दिन आया था ना, ये इनविटेशन भी दिखाता हूँ, इनविटेशन भी आया था नीचे शायद, इनविटेशन देखो ये भी आया था, ये है रोली अक्षत, इतना बढ़िया छोटा सा थैला बना रखा है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स देख रहे हो, कोई इतना ज्यादा वो नहीं था बट फिर भी कितनी सुंदर पैकिंग करके दी है, ये देखो इसके अंदर प्रसाद वगैरह पड़ा है। बाकी इनविटेशन तो यहाँ पर आया था बट कोई गया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जीजा जी के जो पापा जी हैं उनकी एक सर्जरी थी दिल्ली में, तो वो लोग भी दिल्ली में ही थे, मैं सोच रहा था मतलब इनविटेशन आना राम मंदिर की बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि सिर्फ VIP छोड़ दो, VVIP लोगों को आता है, और वो इस रीजन उसका ये था इनविटेशन आने का यहाँ पे शायद, क्योंकि जो दीदी जीजा जी के पापा हैं
वो मतलब यहाँ पे काफी नोन है, ठीक है। और उनका जो घर था मैंने काफी बार दिखा रखा है, अभी जहाँ पर मैं हूँ ये भी राम मंदिर के मेन अंदर ही है। रुको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से तो राम मंदिर पे दिखता है, गीला हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना रेड अलर्ट जोन पे है ये कह सकते हो। ऊपर से चल के दिखाता हूँ, ये रिवाइज छत, ठीक है। और सामने ये रहा राम मंदिर में जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना ये राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही आता है, तो सारी चीजें टूट जाएंगी। ये वाला जो दीदी का घर है ये नया बना है, क्योंकि जो पुराने वाला घर था वो तो मेन मंदिर के अंदर ही था, वो जा चुका है, ठीक है। तो वो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर नया घर बना है। इसलिए बहुत प्राइम लोकेशन कह सकते हो, मतलब यहाँ पर आना नामुमकिन अगर आपके पास यहाँ की आईडी नहीं है या फिर रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है। हम लोग तो अभी आ गए क्योंकि हमारे पास बाइक भी थी यहाँ की, बट उस टाइम पे 22 जनवरी उस टाइम पे तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ये वाली हालत थी। हमारा मैं तो अपना ले जाऊंगा, तुम तो रूठे हुए क्यों हो? मेरा हो गया, इनका नहीं हुआ, इसीलिए जीजा जी को बोला दर्शन करा दो फोन के साथ, उन्होंने बोल दिया ये थोड़ा लेट हो गया आने में, तो आने के बाद कहते मेरा भी करवा दो, वायरलेस नहीं हुआ होगा अभी तक कोई नहीं, कल तो किया था ना तुमने, बस ठीक है। तुमको क्या जरूरत है, छत पे जाओ, छत से सामने देखो, सामने राम जन्मभूमि है। हो गई है भाई बात, आरती की नहीं हुई है ना, आरती साथ में होती है ना, तो आरती का तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, फोन अलाउ करवा दिया बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि फोन पहले अलाउ कर रहे थे लोग, बट अभी कुछ टाइम से फोन भी अलाउ अंदर बंद कर रखा है सबको, मतलब कोई फोन भी लेके जाया जा सकता है। मैंने कहा अगर शूट नहीं करूंगा आपको नहीं दिखाऊंगा तो फिर फायदा ही क्या, मतलब वैसे दर्शन तो करने थे ऑब्वियसली, बट फोन अलाउ कर दिया तो थोड़ा बहुत शूट भी हो जाएगा। ये लो भाई, ये है इन्विटेशन राम मंदिर का, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा होगा आप लोगों ने, लगभग सारे स्टार्स जितने फिल्म मेकर्स थे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सबको इन्विटेशन गया था। यहाँ पर भी आया था एक इन्विटेशन, ऐसे करके सबने फोटो खिंचवाई थी ना इसकी, ऐसे करके ऐसे सामने से, बढ़िया सा है भाई। यहाँ पे सिलाई हो रखी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कार्ड की, और कुछ भी इसके अंदर, ये क्या है, ये देखो इसमें टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, इसमें सारे पॉइंटर्स भी लिखे हुए थे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ये देखो जैसे ये लिखा है मैंने, सुरक्षा कारणों के कार्यक्रम स्थल पर प्रातः 11 बजे के पूर्व आसन ग्रहण करना है, 11 बजे पहुँच जाओ सब लोग। बाकी ये दो चिट्ठी भी आई थी, इसके अंदर इन्विटेशन है बेसिकली, सारे पॉइंटर्स हैं क्या करना है, टू डू और नॉट टू डू। और ये क्या है, संकल्प है, अच्छा जिन लोगों ने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए उन लोगों की फोटोज, उनकी तरफ से कुछ मैसेज वगैरह है शायद। बट यहाँ से कोई नहीं जा पाया था ना, नहीं इनविटेशन और रिमाइंडर आने के बावजूद भी कोई नहीं जा पाया था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। चल रहे हैं भाई अभी अंदर गलियों में से जाना पड़ेगा, जी जी बता रहे क्या कह रहे थे आप? अंदर बड़ा सा एक यज्ञ कुंड है, मेरा पहले स्थान था कौशल्या को, और बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, अभी तो निर्माण चल ही रहा है, समय लगेगा एक दो। तो पहले वाला घर था उसी में था ना वो? हाँ उसी में, तो चला गया पूरा वो, तो मेन जो मंदिर है वहीं पर था घर? नहीं मंदिर से थोड़ा सा मतलब वो पूरे उस पूरे जो वहाँ का एरिया है पूरा पूरा उसके अंदर ही था, उसके अंदर ही। मतलब जो मैंने दिखाया भी है शायद YouTube पे, पहले आके एक बार गया था मैंने, वो घर दिखाया था, ठीक है। तो वो वाला पूरा मंदिर परिसर में जा चुका है, फिलहाल चलते हैं भाई। और जो मैं रेड अलर्ट बता रहा था ना, देख रहे हो हर जगह मतलब बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पास करवानी पड़ती हैं अगर लेके आनी है, तो ऐसे आप गाड़ी लेके नहीं घुस सकते हो कहीं पे भी, चाहे UP 42 को तो ले तो अलाउड है, उनके लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, गाड़ी अंदर ला ही नहीं सकते हो। जितने भी गाड़ियाँ आ रही है ना यहाँ पे, टू व्हीलर ला सकते हो, अगर जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं इनके लिए आप लोगों को वायरलेस पे कॉल करवाना पड़ेगा, मतलब रीज़न बताना पड़ेगा बेसिकली, हाँ या फिर आपके पास पास होना चाहिए व्हीकल का, तभी एंट्री एग्जिट तो ले सकते हो, एंट्री नहीं कर सकते हो इस वाले एरिया में। बाकी हम लोग नॉर्मल दर्शन ना करके VIP दर्शन कर रहे हैं, जीजा जी की बहुत है थोड़ी, तो उन्होंने फिर वायरलेस वगैरह करवाया कहीं से, पीछे से एंट्री हो जाएगी हमारी भाई, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इस टाइम पे कितनी भीड़ है और कितना रश है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, राम भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी मेन रोड पे मैं आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था, नॉर्मल रोड पे इतनी भीड़ है, अंदर तो डबल ट्रिपल लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं था कि 3-4 घंटे से पहले जाके दर्शन हो जाए। चलो भाई एंट्री हो चुकी है, कितनी सिक्योरिटी है भाई इधर देख रहे हो, ये तो फ्री में फ्री, तुम 2+1 हो क्या मतलब जो बात हुई थी मतलब हम दोनों लोगों की थी, बट वो घर फिर जिया जी आए तो उनके नाम में कोई मिल गया, तो उन्होंने बोला कि जाने दो कोई नहीं, तो इस वजह से फिर हमारा बस एक ही फोन अलाउ किया इन्होंने, तो वो भी शूट करता जा रहा हूँ, बस दिल धक धक कर रहा है, मना ना कर दे, बट ठीक है मतलब ऑलरेडी बात हो रखी है। लो भाई ये एंटर कर चुके हैं, सामने ये रहा मंदिर, भीड़ यहाँ से दिखेगी नहीं, अभी दिखाता हूँ उधर चल के। बाकी भाई मतलब हर 5 कदम पे चेकिंग हो रही है, हर 5 कदम पे, तो सब लोग जितने भी हैं ना सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड मांगे ना, आधार कार्ड दिखाओ, नंबर नोट करते हैं उसके बाद, और हर जगह तो ऑलरेडी वायरलेस आ चुका है कि मेरे साथ मतलब अभिषेक पांडे +1, ठीक है। और एक ही फ़ोन जाएगा, तो मेरा फ़ोन है कि मतलब एक फ़ोन जा रहा है साथ में, और इसके अलावा कोई फ़ोन अलाउड नहीं है। ये जो थे ये तो फ्री में आ गए, ठीक है, इनका को पूछ ही नहीं रहा क्योंकि बाहर से उन्होंने वायरलेस पे बोल दिया, दो लोग जो है उनके साथ एक और जाएंगे मस्त, और सामने देखो लाइट्स वगैरह भी चल रही हैं, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल।
कंस्ट्रक्शन बाकी अभी चल रही है सारी की सारी, जितने भी ये ट्रक्स वगैरह हैं एलएनटी के और टाटा का है भाई, बाय द वे जिसको नहीं पता बता दूं, ये जो जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना सबका टेंडर जो है वो टाटा और एलएनटी को दिया गया है। क्या चीज़? अच्छा ये वाला घर था, अच्छा हाँ यही तो था सामने ना, इधर वाला ये था भाई दीदी दादी का घर पहले जो अब मंदिर के अंदर आ चुका है सामने, सोचो वो रहा मंदिर। हवन कुंड इधर, ये वाला हवन कुंड किधर है? ये वाला है ना कुंड, हाँ ये हवन कुंड बन रहा है और ये पूरा हवन कुंड जो बन रहा है दीदी के घर पे ही बन रहा है। चलो जी किधर से एंट्री हमारी? ये किधर से आओ तुम, आगे चलो। भाई तुम मार्ग निर्देशक हो हमारे, चलो। एक तो तुम 2+1 आ गए हो फ्री में, ऊपर से काम भी नहीं कर रहे हो। यहाँ सारी की सारी सुरक्षा बल कह सकते हो आप या फिर सिक्योरिटी जितने भी हैं वहाँ, यहाँ पर सबका गढ़ है, सारे की सारी आर्मी वगैरह, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। मतलब मैं अभी यही सोच रहा था कि वैसे मतलब यहाँ फ़ोन लाना बहुत बड़ी बात है अगर ऐसे आप आते हो तो, बट अभी मैं फ़ोन लेके चल रहा हूँ ना शूट करते हुए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब देख भी रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसको पता है कि मैं 2-3 सिक्योरिटी बैरियर्स क्रॉस करके आया हूँ और हर जगह मेरा फ़ोन पास हुआ है, तभी मैं फ़ोन अंदर लेके आया हूँ। मतलब मेरे पास परमिशन है यहाँ पर रिकॉर्ड करने की, सिर्फ यही रीज़न है कि अंदर आने दे रहे हैं, मतलब अभी शूट करने दे रहे हैं लोग। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल गेट से अंदर एंटर करोगे ना जहाँ से दर्शन के लिए होता है तो वहाँ से फ़ोन लाना लो। ओ भाई इतनी तो देख रहे हो, जय श्री राम की एकदम चैंट, ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। चलते हैं भाई, हमें तो पीछे से अच्छा खासा मतलब एक और चीज़ दर्शन करने के लिए, मतलब सामने से अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली इतनी भीड़ है कि जल्दी 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 निकालते हैं, ठीक है। बट हम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, VIP गेट से एंटर कर रहे हैं पीछे से, तो फिर थोड़ा सा उसका बेनिफिट ये है कि आराम से बोल के वो लोग दर्शन करवाएंगे, मतलब आप खड़े रह सकते हो 5-10 मिनट। चलो उतार दो। सही, आप चप्पल पहन के आ गए थे? जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी यहाँ पर सब लोग फोटोज वगैरह ले रहे हैं, यहाँ की बहुत फोटो वायरल हुई हैं और ये पहली बार मैं यहाँ के पत्थर को या फिर इसके आर्किटेक्चर को टच करते हुए। क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल भाई। चलो इधर सही है यार, खुशबू आ रही है ना यहाँ पे हल्की हल्की, भीनी भीनी सी फूलों की है। क्या चीज? अच्छा लड्डू की। ओ भाई ये सोने का गेट है ना, हाँ यहाँ कराने फोटो। मैं अभिषेक, सोने के गेट से एंट्री होते हुए भाई, सामने ये है हमारे रामलला सामने, वहाँ पर ये नॉर्मल लाइन है जहाँ पर इतनी भीड़ है भाई, गूज़बम्स भाई गूज़बम्स। ये है VIP वाली लाइन जहाँ पर कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, आराम से दर्शन कर सकते हो। चलो चलो भीड़ देख रहे हो, हाय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई दर्शन हो गए हैं कम्प्लीट, देख लिया आपने, बाकी यहाँ से अब एग्जिट ले लेते हैं। चलो दी हो गए, ये लो, ये मतलब फ्रंट नहीं है पार्टी, हाँ लेफ्ट साइड राइट साइड है मंदिर की, सामने से वहाँ से एंट्री है भाई। अंदर आपने देख लिया माहौल कैसा था, जय श्री राम जय श्री राम, गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली। बाकी चाहे आप VIP गेट से आओ चाहे उस गेट से आओ, बहुत सारे अप्रोचेस लगाते हैं लोग VIP से आने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ी लोग थे, जिस वजह से वो लोग बोल रहे थे कि चलते रहो जा रहे थे, फिर भी अच्छा खासा टाइम मिल गया हमको, 5-7 मिनट तो मिल ही गए ना। हाँ और क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको 2 सेकंड नहीं खड़े रहने देने, बाकी दर्शन ही करते हैं यार। तो ऐसा कुछ नहीं कि VIP से ही करो, नॉर्मल अगर नहीं मिल पाता है तो नॉर्मल गेट से आके भी दर्शन कर सकते हो, फटाफट से दर्शन मिल जाएंगे आपको। तो दूसरी बार लाइन वैसे लंबी बहुत लग रही है अभी लाइन, क्योंकि ऑब्वियसली 22 तारीख का इनॉग्रेशन था या फिर प्राण प्रतिष्ठा थी, उसके बाद से लोग अब कंटिन्यूसली आना शुरू हुए हैं, लोगों को 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं दर्शन करने में, मतलब आ रहे हैं जो लोग, सबको पता है कि कभी कुछ पड़ रहा है कभी कुछ पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से नॉर्मली बहुत टाइम लग रहा है इस टाइम पे दर्शन में। बाकी यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सी, फ्रंट से भी देखना था यार एक बार, बट कोई बात नहीं अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, ऊपर देख रहे हो क्रेन वगैरह काम चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस से हमारा तो आना जाना लगा ही रहेगा यार, बिजनेस कह लो या फिर घर है अपना, तो मेरे को वैसे भी आना जाना था राम मंदिर के, बहुत बार दर्शन कर चुका हूँ, जब ये क्या कहते हैं पंडाल होता था, छोटा सा तंबू था जो मंदिर के नाम पे, तब से दर्शन कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम पे करते रहेंगे दर्शन और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलो भाई दर्शन हो गए और अब चलाए इन्होंने म्यूजिक और धीरे धीरे सारी लाइट्स भी ऑन होती जा रही, रात को कितना सुंदर लगता है यार लिटरली, बट ऑब्वियसली रात तक काम अलाउ नहीं है यहाँ पे रुकना, 15-20 मिनट में यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा। बाकी एग्जिट यहाँ से नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट से दिखाने जा रहा हूँ, एग्जिट वापस हमें उसी तरफ से लेनी है। ये देखो भाई भीड़ सामने देख रहे हो, लाइन लग रही है भाई, लाइन से वहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं, पूरे दिन मतलब चल रहे हैं यहाँ पे दर्शन, सोचो कितने लोग आ रहे हैं इस टाइम पे। ये है मेन मंदिर की एंट्री, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। सामने यहाँ पर भगवान जी को झूला झुलाया जा रहा है इस टाइम पे, खूब सारे यहाँ पर पंडित लोग हैं जितने भी लोग पूजा करवाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ ये मेन एंट्री, अच्छा वो एक से, हाँ ठीक है, ये वाली नॉर्मल लोगों के लिए एंट्री है, देख रहे हो कंटिन्यूस लोग जा रहे हैं इधर से दर्शन करके और उस तरफ से एग्जिट लेके उधर से बाहर निकल जाएंगे। क्या चीज यहाँ पे, चलो मजा आ गया भाई, एकदम सुकून मिल गया, बड़े टाइम से सोच रहा था यार जाके दर्शन करने हैं, सब लोग बैक टू बैक आके दर्शन कर करके फोटोज डाल रहे थे, फोटोज की बात नहीं है, एक वो दिल का सुकून होता है ना, चाहिए था इससे पहले जो दर्शन किया, लास्ट टाइम दर्शन जो हुए थे मेरे
वो साइड वाले मंदिर में गए थे जो टेम्प्रेरी जो लकड़ी का मंदिर था, बट आज फुल प्रूफ एकदम अच्छे दर्शन कर लिए। चलते हैं भाई, हनुमानगढ़ी पे तो जाना था हमें, हनुमानगढ़ी पे भी चलते हैं, हनुमानगढ़ी पे भी दर्शन करते हैं, उसके बाद ही वाली वीडियो खत्म करेंगे। आज मंगलवार है ना, तो हनुमानगढ़ी पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बाहरी लोगों से ज्यादा लोकल लोग आते हैं, और लोकल मतलब ये जान लो कि 3-4-5 जिलों के लोग आते हैं, फिर तो दिक्कत है भाई। बट फिर कल हमें निकलना है, कल तो फिर कैसे होता है, सुबह दर्शन करके ये है कि फिर निकल सकते हैं, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं भाई दूसरी सिटी, मतलब अभी वापसी घर नहीं जा रहा हूँ, बट मैंने कहा यार हर बार आता हूँ अयोध्या, यहाँ से सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता, और आज तक मैं गया भी नहीं हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाके एक दिन सिर्फ रहूँगा वहाँ पे, उसके बाद वापस निकलेंगे दिल्ली, क्योंकि उसके अगले जिस दिन मैं दिल्ली पहुँचूंगा ना 2-3 दिन बाद, उसी दिन फिर मुझे गाड़ी उठा के निकलना है अगली रोड ट्रिप पे। तो बैक टू बैक वीडियोज़ जो है ना वो इस बार इंडिया से आ रही हैं, इसके बाद कुछ टाइम बाद वापस से शुरू करूँगा इंटरनेशनल, थोड़े दिन घर का सुकून भी देख लो मेरा। बाकी ये जो घर दिखा रहा हूँ ना मैं सामने, ये अभी कह रहा है, क्या कह रहा है, ये हमारा घर था, देख के रोना आता है, इमोशनल मोमेंट है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 14 साल का है, भी नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहा है अपने अंदर, देख रहे हो। मतलब असल में होता है यार वैसे, मतलब यही किसी का कौन सा था बेडरूम टूट गया। अच्छा ये जो ऊपर जो शिवालय है ये वाला, ये तो घर में ही था ना पहले, ये वाला जो ढांचा दिख रहा है ना ये पूरा शिवालय था, तो ये भी घर में ही था, जितने भी दीवारें आपको दिख रही हैं घर की दीवारें हैं सोचो, पर इनका घर था, अब इनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, कोई बात नहीं चलो। हाँ सही बात है, 14 साल बचपन, 13 साल ना, 13 साल रहे हो पैदा, तो तुम पैदाइशी तुम्हारी उसी घर की है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाग्यशाली कितने हो, ये देखो राम मंदिर में पैदा हुए हो, राम काज में लग गया, राम काज में लग गया, और क्या चाहिए। हाँ तुम्हारे लिए दर्शन क्या वो होंगे, तुम तो जब दिल करे तब उठ के आओ दर्शन करो। अभी जो मैं घर दिखा रहा था ना, इसका मेन एंट्री जो थी यहाँ से थी, हम यहीं से एंटर करते थे ना घर में पहले आके, मैं भूल गया था यहीं से एंट्री करते, तो यहीं से ही वीआईपी एंट्री है सोचो, मतलब ये वाला घर हुआ करता था। चलते हैं वापसी घर, प्रसाद लेना भूल गया यार, बट दीदी घर पे है प्रसाद, तो वहाँ से थोड़ा सा लेके खा लेंगे। वापसी निकल चुके हैं भाई, भीड़ देख रहे हो अभी भी बिल्कुल कम नहीं हो रही, और 24 घंटे यही सीन है यहाँ पर, मतलब रात के टाइम पे भी सब लोग होते हैं यहीं पे साइड में ही, अपने चद्दर और तकिया डाल लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि है ही नहीं भाई जगह ही नहीं है होटल वगैरह में, और इंसान फिर देखते हैं कि इतना मांग इतनी है यहाँ पर होटल की, कि प्राइस भी जो जा रहे हैं ना 8-10 हज़ार पर रूम जा रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली फिर वो बाहर ही सोएंगे। बाकी टेंट सिटीज़ वगैरह भी बहुत बन गई हैं यहाँ पे, बट वो भी थोड़ा आउटर में है, तो जिसको जैसे ये वाला हनुमानगढ़ी की एंट्री है, यहाँ यहाँ तक पूरी लाइन लगती है, मेला लग रखा है भाई।